एक भी वोट डलने से न रह जाए और एक भी वोट पड़ने से न रह जाए और किसी के बहकावे में नहीं आना है और सातों की सातों सीट गठबंधन के नेताओं की झोली में डालकर सरकार बनाने का काम करवाना है। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं और आज हमारी पार्टी में ये लगभग हमारे 200 नाम है, इसमें 80 नाम हमारे चार्टर समाज के लोगों के हैं, हमारे मुस्लिम भाई के हैं और हमारी लोधी समाज के तादाद में इसमें वो नाम है। इंशाल्लाह ताला अगली बार इनके सबके नाम भी बता दूंगा। आज ये हमारी पार्टी में और हमारे नेता जयंत चौधरी राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन पे आस्था रखते हुए उनके प्यार मोहब्बत की बातें सुनकर ही ये आज सब लोग पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। मैं इन सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफिज। और ये देखो ये हमारा सुंदर ये जाट है, ये मेरे बहुत बचपन का दोस्त है लेकिन आज ये भी खुल के आ गया, उनने पहले कहता था चुपचाप वोट दे दूंगा। मैं इसका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसी के साथ जय भीम जय भारत, खुदा हाफिज, जय लोकदल और जय गठबंधन। बहुत बहुत शुक्रिया मोदी साथियों। ये थे आपके और हमारे हरदिल अजीज नौजवान रहनुमा हाजी यूनुस साहब। अब मैं बहुत ही अदब और एहतराम के साथ हमारे मौजूद मेहमान कुंवर अय्यूब अली साहब से बहुत ही अदब के साथ दरख्वास्त करूंगा कि वो भी माइक पर तशरीफ लाएं और अपने ख्याल का इजहार फरमाएं। आज इस जलसे के सदर साहब मौदूद भाई साहब सदारत कर रहे हैं, हमारे बड़े भाई और नेशनल कैंपेन कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर पी के सिंह जी, चौधरी बिजेंद्र सिंह जी, भाई अन्नू जी, अंजू मुस्कान जी, दिलनवाज जी और जिसके लिए हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं भाई हाजी यूनुस साहब, यहाँ पर मौजूद बुजुर्गों नौजवान साथियों, क्योंकि ऐसे समय पे बोलने का मौका मिला है कि जब आखिर होता है तो बोलने के लिए कुछ बचता नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों से गुजारिश करने आया हूँ। भाई यूनुस जी सही कह रहे थे कि 4-5 महीने पहले मेरी इनसे मुलाकात नहीं थी, मैंने नंबर कहीं से लिया और इनको मैंने टेलीफोन किया और हम और जैन जी बात कर रहे थे तो हमने कहा कि साहब 2-3 आदमी है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उनको बसपा से निकालने का काम करिए तो बसपा खत्म हो जाएगी। मुझे खुशी है कि भाई यूनुस आए और बहुजन समाज पार्टी बुलंदशहर से खत्म होने का काम हो गया। मैं आपसे एक गुजारिश करने आया हूं और बुलंदशहर वालों ने कंजूसी कर दी। कंजूसी इसलिए की कि अकेले बुलंदशहर का जिक्र किया कि साहब हमने महमूद हसन साहब को जिताया, सरवर हुसैन साहब को जिताया। मैं नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं, सहारनपुर से शुरू करिए, रशीद मसूद से शुरू करिए, मनोवर हसन के वालिद से शुरू करिए, मेरठ में शुरू करिए, हलीम साहब से शुरू करिए। और कोई सोच सकता है आज गाजियाबाद में 2-2 बार कुंवर महमूद अली को एमपी बनाया इन्हीं लोगों ने, अनवार अहमद को एमपी बनाया, कोई सोच सकता है कि एक टाइम है महफूज अली को एमपी बनाया, कोई सोच सकता है कि हाजी गुलाम मोहम्मद को मुरादाबाद में एमपी बनाया, कोई सोच सकता है कि आप मुरादाबाद में एमपी बना, साबिर अली के वालिद बरेली में बने, मुरादाबाद में बने। मैं इसलिए कहना चाहता हूं अपने मुसलमान भाइयों से, खासतौर से कहना चाहता हूं कि आज के बाद हिंदू मुसलमान की बात बंद करिए।